people convert their hobbies into a business. Hobby और passion में भी बड़ा फ़र्क है. लोगों की hobbies change हो जाती हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन passion is something जिसमें कि आपकी एक emotional attachment होती है. If you want to step into the into business, you must have a passion. ठीक है, not a hobby. Just like there are no free lunch, similarly there are no free services. If there is a problem, new problem, and you think you can solve that particular problem with a hack, किसी को cab चाहिए तो उसने पहले जाना है taxi stand तक. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद माज. एज यू मेजॉरिटी ऑफ यू गाइज नो दैट आई हैव बिन इन टू अ टेक इंडस्ट्री फॉर मोर देन अ डिकेड नाउ. और इस दौरान हमने डिफरेंट तरह के तजर्बे किए, डिफरेंट स्टार्टअप के साथ काम किया, और बहुत सारे लोगों की जर्नीज हमने उनके एक्सपीरियंसिस से कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है. अच्छा, आज हमने जो बात करनी है वो बड़ा ज़बरदस्त एक सिनेरियो है जो बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि पीपल कन्वर्ट देयर हॉबीज़ इनटू अ बिजनेस. तो आप उसको हॉबी बोलें या देयर इंटरेस्ट इनटू अ बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस. तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमें कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है कि इंटरेस्ट फर्दर डिवाइड होता है दो चीज़ों में. एक होता है पैशन, एक होता है हॉबी. हॉबी और पैशन में भी बड़ा फ़र्क है. अब वो किस तरह है कि हॉबी बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जो हम अपने फ्री टाइम में कर रहे होते हैं और अपने लिए कर रहे होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, पीपल हैव अ हॉबी ऑफ प्लांटेशन, तो वो अपने घर में एक लॉन सेटअप कर लेते हैं. और साथ ही साथ देयर आर कंपनीज जो हरियाली के लिए बहुत सारे काम करती हैं, कुछ यूरिया बनाता है, कोई कुछ करता है. तो दैट इज़ पैशन. पैशन में दे आर डूइंग सम वर्क फॉर अदर पीपल एज वेल. अब जहां आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं वहां पे फिर अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं. तो पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आपका हॉबी और पैशन में एक फ़र्क है. हॉबीज़ आपको पैसा कमा के नहीं देती. हॉबीज़ आर दोस्त जिसमें आप पैसा लगाते हो और आपकी अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है उसके अंदर. पैशन वो होता है, वो काम होता है जिसको आप बार 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 करो, मुख्तलिफ लोगों के लिए करो और आप उसमें ना थको. हॉबी में हम बार 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 नहीं करते, हम नई नई चीज़ें कर रहे होते हैं. लोगों की हॉबीज़ चेंज हो जाती हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन पैशन इज़ समथिंग जिसमें कि आपकी एक इमोशनल अटैचमेंट होती है विथ सम काइंड ऑफ इंडस्ट्री, सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट, सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, और आप उनको एड्रेस कर रहे होते हैं. तो पहले तो ज़रूरी चीज़ ये है, इफ़ यू वांट टू स्टेप इनटू द इनटू बिजनेस यू मस्ट हैव अ पैशन. ठीक है, नॉट अ हॉबी. फिर दूसरी चीज़ समझने के लिए ज़रूरी ये है कि क्या पैशन अकेला काफ़ी है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, या हमें कुछ और चीज़ें भी चाहिए होंगी. तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जस्ट लाइक देयर आर नो फ्री लंच, सिमिलरली देयर आर नो फ्री सर्विसेज, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग फॉर अदर पीपल. अगर आप वो मुफ्त में करने लग गए तो फिर आप कमाओगे कैसे. अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको फिर एंटरप्रेन्योरल स्किल्स होना ज़रूरी हैं, और एंटरप्रेन्योरल स्किल्स से पहले एक और ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हाट इज़ बिजनेस, ये एक और बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है जिसमें लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. देखें, इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, न्यू प्रॉब्लम, एंड यू थिंक यू कैन सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम विद अ हैक और विद some different kind of tools, with some different kind of practices, then this is not a business, this is actually an entrepreneurship, because you are breaking the norms and you are disrupting any particular industry. तो problem आप किसी business में ढूंढ के उस business के operation को optimize कर सकते हो, that is also entrepreneurship. आप कोई conventional practice को
रिप्लेस करा के भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी ज़माने में एक प्रैक्टिस बनी हुई थी कि किसी को कैब चाहिए तो उसने पहले जाना है टैक्सी स्टैंड तक। कैब जिसने चलानी शुरू करनी है उसको गाड़ी लेके टैक्सी स्टैंड पे खड़े होना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब आपको कैब चाहिए थी, आप मोबाइल ऐप से दो क्लिक के ऊपर काम कर सकते हो। तो उन्होंने एक वही बिजनेस है कि लोग गाड़ी निकालते हैं, कैब चलाते हैं और पैसे कमाते हैं। लेकिन बीच में एक स्टार्टअप आया, उसने क्या बोला, उसने बोला कि हम इस इंडस्ट्री को डिस्रप्ट करेंगे और हम यहाँ पे बीच में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करके ये जो एक इतनी लंबी जर्नी है इसको रिप्लेस कर देंगे। और हम अपनी गाड़ियाँ नहीं चला रहे, हम अपना कुछ नहीं कर रहे, हम यहाँ पे एक सिर्फ वो जो प्रैक्टिस है उसको चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ आर ओन प्रोडक्ट। तो उन्होंने बिजनेसेस के अंदर पेनेट्रेट करके एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की और उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला। अब इसी को अगर हम बात करें कि वही गाड़ियाँ ही देनी है आपने लोगों को, तो आप बिज़नेस भी कर सकते हैं। बिज़नेस में क्या होता कि आप चार गाड़ियाँ खरीद के एक रेंटा कार खोल के बैठ जाते, एक शॉप खोल के बैठते रेंटा कार का, वहाँ से लोगों को बोलते आओ यहाँ से आके कैब के लिए तुम लेके जा सकते हो गाड़ी। तो इफ़ यू वॉन्ट टू एंटाइटल यूर सेल्फ एज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, तो उसके लिए ज़रूरी है कि यू मस्ट आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम एंड यू हैव अ पैशन that you can solve that problem again and again, again and again, again and again, then yeah, you can convert a passion into a successful entrepreneurship or successful business. So, आज के लिए हमारा यही था कि हमें दो different चीज़ों के differences पता होने चाहिए if you want to step into the business industry or entrepreneurship industry. पहली कि देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हॉबी एंड पैशन। हॉबीज़ जो है वो आपको बिजनेस नहीं बना के देती, पैशन बना के देता है। एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस, इसमें ही फ़र्क है। एंटरप्रेन्योरशिप में यू आर गोइंग टू सॉल्व अ न्यू प्रॉब्लम। बिजनेस इज़ अ कन्वेंशनल बिजनेस, आपने देखा किसी जगह पे सेम ये सिचुएशन थी, इस तरह की प्रैक्टिस फॉलो की गई एंड दिस बिकम अ बिजनेस। यही आज का कंक्लूजन है, होपफुली आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट हो तो यू कैन लाइक सब्सक्राइब कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।